हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का वेलकम है इंडियन मॉम अनु फिटनेस एंड लाइफस्टाइल में। सबसे पहले आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी फॉर वुमेंस डे। हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल लवली वुमेंस। और इस मौके पे आज मैं इस वीडियो में कुछ स्पेशल लेकर आई हूँ, जिसमें मैं मैक्सिमम जो भी पूरे दिन मैंने किया है वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी, अपने फिटनेस को मेनटेन करने के लिए, वेट लॉस करने के लिए, वेट मेनटेन करने के लिए। तो इसमें मेरा रहेगा हेयर केयर रूटीन प्लस वर्कआउट, प्लस मैंने कुछ चीज़ें अमेज़ॉन से परचेज़ किए जो डेफिनेटली आपको पसंद आएगी, तो उसे मैं ट्राई ऑन करके भी दिखाऊंगी। और फुल डे का डाइट प्लान रहेगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है आप लोगों को काफ़ी पसंद आती है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पे आपको डाइट प्लान्स, बहुत हेल्दी रेसिपीज़, रूटीन, सारी चीज़ें देखने को मिलेगा जो आपके हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में आपकी हेल्प करेगा, साथ ही साथ आपको काफ़ी मोटिवेट रखेगा, ताकि अगर अभी तक आपने अपनी वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट नहीं की है तो आज इसे आप स्टार्ट कर सके। तो बहुत ही सिंपल सा डाइट प्लान रहता है, बहुत ही बजट फ्रेंडली डाइट प्लान रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह उठते ही सबसे पहले मैं वॉक पे जाती हूँ। और यहाँ पे मैं वॉक करने के लिए, मैं फिफ्थ फ्लोर पर रहती हूँ तो मैं स्टेयर्स का यूज़ करती हूँ फॉर गोइंग डाउन और ऊपर आने के लिए। तो मैं लिफ्ट का यूज़ कम करके ज़्यादा से ज़्यादा हम स्टेयर्स का यूज़ करते हैं। ये आता है आपके HIIT फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज का। जिनको एक्सरसाइज जिम जाने का टाइम नहीं मिलता है वो कुछ इस तरीके के एक्टिव रह सकते हैं, कुछ इस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं, जिससे वो कभी फैट गेन नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बताती हूँ ताकि आप क्यूरियस ना रहे, आप परेशान ना हो कि यार हम जिम नहीं जा पा रहे, हम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, हम वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये वाले जो फॉर्म होते हैं जिसमें आप स्टेयर्स का यूज़ करिए, रस्सी कूदिए, साइकिलिंग करिए, स्विमिंग करिए, तो इस चीज़ों से भी आप अपना जो फैट है वो कई हद तक घटा सकते हैं और आगे चल के भी कभी आपको फैट नहीं आएगा। फिलहाल यहाँ पे मेरी वॉकिंग चल रही है, तो अराउंड 45 मिनट्स मैंने वॉक कर लिया है। पानी पी के गई थी और आने के बाद मैंने बनाया ये डिटॉक्स स्मूदी। तो ये कैरेट, बीटरूट एंड कुकुम्बर स्मूदी है, जिसमें मैंने पिंच ऑफ ब्लैक सॉल्ट डाला है और खूब सारे मैंने इसमें हेल्दी सीड्स ऐड किए हैं। तो इस तरीके से आप अपना प्री वर्कआउट या प्री ब्रेकफास्ट मील ले सकते हैं। आजकल ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, क्योंकि ये मेरे स्किन के लिए भी और मेरे हेयर्स के लिए भी काफ़ी वर्क करता है। तो इसको आप ज़रूर ले, ज़रूर शामिल करें। इसके बाद मैं करूँगी वर्कआउट। तो थोड़ा वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले मैं वार्म अप कर रही थी और मैं यहाँ पर 30 मिनट्स ही वर्कआउट कर पाती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे अपने हाउस होल्ड चोर्स करने पड़ते हैं, जैसे कि हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो टिफ़िन बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना, बेटे को क्लास के लिए उठाना। तो जो मॉमी रूटीन और होता है ना वाइफ रूटीन, वो स्टार्ट हो जाता है बेसिकली। तो मैं फटाफट 30 मिनट्स अपना जो भी वर्कआउट रूटीन है उसे कंप्लीट करूँगी। और यहाँ पे मैं आपको सिंगल स्टेप दिखा रही हूँ, इसको मैंने ट्वाइस किया था। जो भी मैंने आपको यहाँ पे स्टेप दिखा रही हूँ उसको मैंने ट्वाइस किया था। और इस तरीके से मेरा वर्कआउट रूटीन मॉर्निंग में कम्प्लीट हो जाता है। समटाइम्स ये नहीं भी होता है जब टाइम नहीं मिलता है, लेकिन मैं अपना 10,000 स्टेप्स कम्प्लीट कर लेती हूँ। तो अगर आपको वर्कआउट का टाइम नहीं मिल पा रहा है अलग से, तो आप वॉक ज़रूर करें सुबह और शाम।
तो वर्कआउट होने के बाद मैंने टिफ़िन बनाया था, तो टिफ़िन में मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी रोटी और ये सारी चीज़ें दी थी, और ब्रेकफास्ट में बनाए थे पनीर पराठे, तो ये जल्दी बन जाते हैं। स्टफिंग मैंने आपने देखा मैंने बना लिया था, और स्टफिंग को नॉर्मली आटे में भर के जैसे इस तरीके से हम पराठे बनाते हैं, बस उसी तरीके से मैंने एक अच्छा सा पनीर पराठा बना लिया विच इज़ ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। और इसको मैंने लिया था एक कटोरी कर्ड के साथ, कर्ड में मैंने ब्लैक सॉल्ट ऐड किया था। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है। आपको ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, स्पेशली अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं। तो थोड़ी देर टाइम निकाल के सेल्फ पैम्परिंग का टाइम था, जिसमें मैंने अपना हेयर रूटीन किया, ऑयलिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं वीक में 2 से 3 बार ऑयलिंग कर लेती हूँ, 2 बार तो कर ही लेती हूँ। ऑयल मैंने इस तरीके से बनाया, कोकोनट ऑयल में करी पत्ता, मेथी दाना, कुछ एसेंशियल ऑयल और विटामिन ई की कैप्सूल डाली है, और 15 मिनट्स मैं ऐसे मसाज करूँगी। देन उसके बाद 15 मिनट और रहने दूँगी, मतलब आधे घंटे बाद मैं बाल को धो लूँगी। और मैं आपको यहाँ पर दिखा रही थी, देखिए बालों में कितनी अच्छी शाइन आ जाती है। अगर आप प्रॉपर हेयर रूटीन करते हैं ना, तो आपके बाल कम डैमेज होते हैं, हेयर फॉलिंग कम होती है, और आपके बाल बहुत हेल्दी रहते हैं। तो अगर आप अलग से मेरा हेयर रूटीन जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको पूरा बताऊंगी कि मैं क्या क्या और करती हूँ अपने हेयर्स के लिए। फ़िलहाल मैं यहाँ पर रेडी हुई थी, एक वीडियो शूट करना था अमेज़ॉन हॉल के लिए, तो चलिए आगे देख लेते हैं अमेज़ॉन हॉल। सो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं शेयर करने जा रही हूँ अमेज़ॉन के हॉल, और इस बार आपके रिकमेंडेशन पे मैंने प्रोडक्ट परचेज़ किया। आपने मुझे मैसेज किया था जिन जिन प्रोडक्ट्स को, मैंने उसे परचेज़ किया है। कुछ अभी रिसीव हो गया है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, कुछ जब होंगे तो हम पार्ट 2 बना लेंगे उसका, तब मैं आपको शो कर दूँगी। और सारे जो वीडियो के लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एंड दिस वीडियो इज़ एसोसिएटेड विद MHS, तो उनके थ्रू सारी लिंक्स आपको एक जगह मिल जाएगी। इंडिविजुअल लिंक्स भी दिया है, तो आप जैसे मन चाहे वैसे शॉपिंग कर सकते हैं। प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर दूंगी, और साथ ही साथ ये ट्राई ऑन हॉल भी है, तो पहन के सारे प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा लगता है पहनने के बाद। तो ये बिल्कुल विन विन सिचुएशन है। अगर आप अमेज़ॉन से शॉपिंग करना पसंद करते हैं, प्रोडक्ट रिव्यू चाहते हैं, तो ज़रूर से मेरा वीडियो ज़रूर देखिए, और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वन बाय वन करके प्रोडक्ट को देख लेते हैं। जो सबसे पहला प्रोडक्ट मेरे को मिला है वो है ये टॉप है, ये एक रिकमेंड किया था, इली लंदन का टॉप है। वैसे इली लंदन के जितने भी मैंने ड्रेसेस खरीदे हैं ना, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आए हैं, और इसका पैकेजिंग भी बहुत अच्छा है। आपको ऐसे जिप लॉक वाले पैकेट में आपको आपका प्रोडक्ट मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा पन्नी वन्नी में। और इसका जो ये मटेरियल है ना, ये बहुत अच्छा है, मतलब आप स्टोर करके अपने क्लोथ्स को बहुत अच्छे से रख सकते हैं। तो ये नेवी ब्लू कलर का टॉप है जो मैंने ख़रीदा है, मेरा साइज इसमें M है, और ये कुछ इस तरीके से फ्रिल आपके स्लीव्स है। इसमें ज़्यादातर इसी पैटर्न में आपको ड्रेसेस टॉप वगैरह मिलते हैं, और इसका जो प्राइस है वो कहीं आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कपड़े का मटेरियल एज यूजुअल बहुत अच्छा है, अगर आपने इली लंदन के ड्रेसेस यूज़ किए हैं, खरीदे हैं, तो आपको आइडिया होगा वो सब सेम ही फैब्रिक के रहते हैं। और इसका कलर ये बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सारे आपको कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगा, मेरे पास इस तरीके के कलर का टॉप भी नहीं था, तो मैंने सोचा मैं ये ट्राई करती हूँ। तो ये बहुत अच्छा है, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं, जिन्होंने मुझसे ये रिकमेंड किया था कि इसको मैं रिव्यू दूँ, तो ये बहुत अच्छा टॉप है। पहनने के बाद भी आप देख सकते हैं साइड स्क्रीन में, बहुत अच्छा लग रहा है, फिटिंग बहुत अच्छी है इसकी, तो आप डेफिनेटली इसे परचेस कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप में से कोई भी इस टॉप को ख़रीदना चाहता है तो जाइए उसको क्लिक करिए और अपना ऑर्डर आज ही प्लेस करिए। तो चलिए सेकंड ड्रेस भी देख लेते हैं। तो सेकंड ड्रेस जो है वो अगेन इली लंदन की तरफ से है, एंड दिस इज़ वन पीस ड्रेस जो कि एक बॉडीकॉन ड्रेस है, जो कि मुझे बहुत पसंद आई। थैंक यू सो मच जिन्होंने रिकमेंड किया था कि मुझे भी इस तरीके की ड्रेस पहनने का मौका मिला, और ये बहुत ही प्यारा ड्रेस है। इसका फैब्रिक जो है वो सेम है जैसे टॉप का फैब्रिक है, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है, और आप इसे समर में आसानी से कैरी कर सकते हैं, बिल्कुल भी स्वेटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये हाई कॉलर नेक नहीं है, ये जस्ट आपके नेक को कवर करेगा, ऊँचा नहीं जाएगा। छोटी सी स्लीव्स है इसमें इस तरीके की, और ये बॉडीकॉन ड्रेस है जिसकी लेंथ है वो नी लेंथ तक, जैसे अगर आप 5'2" 5'3" है तो नी लेंथ तक अच्छे से आ जाएगा, थोड़े से टॉल है तो थोड़ा नी लेंथ के ऊपर आएगा। और अगर आप इस तरीके की बॉडीकॉन ड्रेस पहनने में थोड़ा सा शाय करते हैं, तो इसके ऊपर आप डेनिम की जैकेट्स वगैरह ऐड कर लीजिए, बहुत ही स्टाइलिश लुक देगा। आप इसे आउटिंग पे, पार्टीज़ में, बाहर कहीं पर भी पहन सकते हो, इवन ऑफिस वेयर भी है ये, बहुत ही डिसेंट लुक देता है।
कलर इसमें आपको और मिल जाएंगे। इसका प्राइस जो है वो कहीं स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसका ट्राई ऑन ऑल आप देख रहे होंगे, और इसका जो परचेसिंग लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको ये ड्रेस पसंद आती है तो आप डेफिनेटली इसे खरीद सकते हैं, और जिन्होंने इसको रिकमेंड किया था उनको मैं बोलूँगी 100% आप इसे परचेस कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं हमारे थर्ड ड्रेस की तरफ, जो कि बहुत ही प्यारी सी ड्रेस है फ्रॉम सेरा, और ये भी एक समरी बीची काइंड ऑफ ड्रेस है जो कि मुझे आज ही रिसीव हुई। इसका अभी तक मैंने ट्राई ऑन हॉल नहीं किया है, वो मैं आपको करके साइड में कहीं स्क्रीन पे दिखा दूंगी। और ये है वो प्रिटी सी समरी ड्रेस। इसका जो नेक है वो इस तरीके से है जो आपके नेक को कवर करेगा, साथ में स्लीव्स में आपको कोल्ड शोल्डर मिलेगा जहाँ पर आपको अच्छा खासा गैप मिलेगा, और ये स्लीव्स इसकी आपकी पूरी हाथ को कवर कर लेगी। और ये वन पीस ड्रेस है, इसमें आपको कमर में इलास्टिक मिलेगा जिससे आप अच्छे से अपने बॉडी को एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब बॉडी फिटिंग हो सकती है। तो ये अच्छी खासी इलास्टिक है, तो बहुत ही कंफर्टेबल है, और प्योर कॉटन में इसका फैब्रिक है। तो कॉटन फैब्रिक होने के कारण इसमें क्या हो रहा है कि आपको समर्स के लिए बेस्ट है, क्योंकि ये जो ड्रेस है ना वो पहनने के बाद बीची काइंड ऑफ ड्रेस दिखती है जिसका लुक बहुत अच्छा आता है। और आप साइड में देख रहे होंगे बहुत ही प्यारा सा प्रिंट है इसमें, और कपड़ा फैब्रिक बहुत अच्छा है। डेफिनेटली मतलब जो इसका प्राइस है उसमें आप आसानी से इस तरीके की ड्रेस परचेस कर सकते हैं। अगर आप कहीं प्लान कर रहे हैं वेकेशन वगैरह कहीं बीची साइड जाने का, या कहीं पर भी अगर आपको इस तरीके का स्टाइलिश लुक चाहिए है, तो आप डेफिनेटली इस ड्रेस को परचेस कर सकते हैं, समर के लिए बहुत अच्छा है। तो ये तीन ड्रेस फिलहाल मुझे रिसीव हुए थे, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। जो बचे हुए ड्रेसेस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। कैसी लगे आपको इन सारी ड्रेसेस ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरे वीडियो देखने में पसंद आता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे डाइट प्लान की तरफ। चलिए अब बारी आती है लंच की। तो लंच में मेरे को कुछ भी खाने का मन नहीं था, जस्ट मेरे को एक ठंडा ठंडा वाटरमेलन खाने का मन था, क्योंकि यहाँ पे इतनी तेज़ गर्मी हो रही है ना अभी डे टाइम पे। तो मेरे पास ये कुछ वाटरमेलन एंड मास्कमेलन था, तो मैंने उसको चॉप किया, और ये हल्के से चिल है, ठंडे हैं, तो इन्हें खाने में इतना मज़ा आ रहा था, और कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही थी गाइस। तो इस तरीके से आप दो तीन मील्स अपने स्किप कर सकते हैं फ्रूट्स के साथ, और अगर आप नॉर्मल खाना खाते हैं तो खाइए, क्वांटिटी पोर्शन कंट्रोल करके खाइए, और फ्रूट्स का इंटेक ज़रूर करिए। तो उसका सबसे बेस्ट टाइम होता है मिड मॉर्निंग स्नैक। तो मेरा मिड मॉर्निंग स्नैक नहीं हो पाया था, डायरेक्ट लंच का टाइम हो गया था काम करते करते, तो मैंने फ्रूट्स ले लिया था। देन उसके बाद इवनिंग टाइम पर मुझे हल्की सी भूख लगी, तो मेरे पास स्वीट पोटैटोज रखे थे, तो वो बॉयल्ड रखे थे, तो मैंने जस्ट चॉप किया, उसके ऊपर थोड़े से रोस्टेड मखाने पीनट्स डाले, और हल्का सा काला नमक डाल दिया, नींबू डाल दिया, और मैंने उसको इन्जॉय किया एज अ इवनिंग स्नैक, जो कि बहुत टेस्टी लगता है खाने में, हेल्दी लगता है, और स्वीट पोटैटो बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं। उसके बाद मैं डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। डिनर मैं अर्ली कर लेती हूँ, 7:30 बजे के आसपास तक फिनिश हो जाता है। तो जस्ट क्विकली मैं बना रही थी मसाला ओट्स, प्याज टमाटर कैप्सिकम थोड़े से जिंजर को क्रश करके डाला था, और ओट्स डाल दिए थे, थोड़े से रोस्ट हो गए थे, तो मैंने वाटर डाल के सॉल्ट डाल के उसको ढक के पकाया, तो ये थोड़ी देर में इस तरीके से मशी हो जाते हैं, और बहुत ही क्विकली बन जाते हैं हमारे मसाला ओट्स। तो बस ऊपर से धनिया स्प्रिंकल करूँगी और गर्मा गर्म इसे इन्जॉय करूँगी। तो मैंने एक चटनी है जिसकी रेसिपी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, तो वो चटनी मेरे पास हमेशा स्टोर रहती है, जस्ट उसमें नमक और कर्ड डालना रहता है, और उसको आप इन्जॉय कर सकते हैं। तो ये चटनी के साथ मैं अपना मसाला ओट्स टेस्टी टेस्टी इन्जॉय कर रही हूँ, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको भी बहुत टेस्टी लगेगा। और ओट्स हमारा लो कैलोरी एंड हाई प्रोटीन डाइट मील है, तो इसको आप ज़रूर इंक्लूड करिए, चाहे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में या लंच में या डिनर में। तो बस यहाँ पे मेरा डिनर फिनिश हो गया था, और उसके बाद मैं गई थी वॉक के लिए। तो अराउंड 35-40 मिनट्स वॉक करती हूँ, क्योंकि उस टाइम अपने बेटे को प्ले एरिया में लेके जाती हूँ, वो खेलता है बच्चों के साथ, और मैं वॉक कर लेती हूँ। और यहाँ पे मेरा जो पूरा दिन का डाइट प्लान है, रूटीन है, वो ऑलमोस्ट ख़त्म होता है। घर आने के बाद हस्बैंड के साथ थोड़ी बातचीत, थोड़ा सा रूटीन, इस तरीके से टीवी देख के निकल जाता है, और फिर सोने चले जाते हैं। तो टाइम पर सोना भी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपकी 7-8 आवर्स की नींद होनी ज़रूरी है। तो बस इसी तरीके से मेरा पूरा दिन निकल जाता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।